तो आज की हमारी इस क्लास में हम बात करेंगे आपके साथ पाइथन में कंट्रोल स्टेटमेंट। जी हाँ, कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हमने यही तक क्लासेस को छोड़ा था और इसी से हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए हम वीएस कोड को ओपन करते हैं। अब यहां पे हम फोल्डर ओपन करते हैं, जो हमारा फोल्डर है हम उस फोल्डर में हम जाते हैं। फाइल के अंदर भी जाकर हम कर सकते हैं ओपन फोल्डर। फोल्डर जहां पे आपने डेटा को रखते हैं वो आपको सेलेक्ट करना होगा, जहां पे सारे फाइल्स वगैरह होते हैं। अब यहां पे हम प्लस के सिंबल पर क्लिक करके फाइल बनाते हैं और हम C1 कंट्रोल कंट्रोल डॉट PY फाइल करते एंटर मारते हैं, ये फाइल आ। अब इसमें जो है हम कंट्रोल स्टेटमेंट में स्टेटमेंट करेंगे और क्लास की शुरुआत हम करते हैं कैलकुलेट द एरिया ऑफ सर्कल्स। जैसे हमने यहां पे सबसे पहले इंपोर्ट किया कि इंपोर्ट मैथ, ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन के जो फॉर्मूले हैं वो फॉर्मूले को बेसिकली कहां पर है उसकी जो 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 फॉर्मूले हम मैथ के जो लेते हैं हम इंपोर्ट करते हैं लाइब्रेरी से हम इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि मैथमेटिकल कैलकुलेशन से रिलेटेड जो मॉड्यूल्स है वो बाय डिफॉल्ट आपके इसमें नहीं होता है, पैथन में नहीं होता है, तो आपको इंपोर्ट करना पड़ता है ताकि वो इंफॉर्मेशन इंपोर्ट हो जाए। इसमें हमने दिया फ्लॉट क्योंकि हम फ्लॉट में डालने वाले हैं और यहाँ पे हम इनपुट का कमांड दे देते हैं कि इनपुट, और यहाँ लिखते हैं इन्वर्टर कोमा में कि एंटर रेडियस। और यहाँ पे स्लैश टी दे देते हैं ताकि गैप। अब यहां पे हम सिंपल सा एक एरिया देते हैं, एरिया एरिया इक्वल टू यहां पे लिखते हैं मैथ डॉट पीआई पाई मल्टीप्लाई बाय आर, अच्छा और फिर यहां पे डबल आर टू कर देते हैं, ऐड हो जाएगा। तो जो रेडियस है कैलकुलेट होके एरिया पे चला गया। अब यहां पे हम प्रिंट कमांड देते हैं और प्रिंट के अंदर यहां पे लिखते हैं एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल इज इक्वल और यहां पे हम कॉमा देके हम अपना एरिया सिलेक्ट कर रहे थे जो है। अब इसको एक बार रन करके देखते हैं। यहां पे रेडियस एंटर करने के लिए बोल रहा है तो मैं यहां पे 5 एंटर करके कर रहा हूं, देखिए 78 कुछ करके आ रहा है। लेकिन मुझे ये जो डेसिमल प्लस इतना सारा आ रहा है, मुझे इसमें 2 डेसिमल प्लेसेस चाहिए। क्या चाहिए? सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस। तो यहां पे हम फॉर्मेट वाले जो पार्ट है उसको यूज करेंगे। हम लिखते हैं प्रिंट, प्रिंट में हम सेम लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल इक्वल और कर्ली ब्रैकेट में हम देते हैं 0 और सॉरी यहां पे कॉलन 0.2 और फ्लोट है इसलिए हमने एफ लोड, और यहां पे सिंगल सिंगल कोट खत्म होने के बाद लिखते हैं फॉर्मेट और फॉर्मेट के अंदर हम दे देते हैं एरिया। अब इसको रन करते हैं। तो रन करने पे मान लीजिए यहीं पे सेम हम 5 एंट्री करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं, तो देखिए यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस ज्यादा आ रहा है और यहाँ पे 2 आ रहा है। तो अगर आपको लगता है कि आपका फ्लॉट में काफी सारा डेसिमल प्लेसेस हैं तो उस केस में इस फॉर्मेट का पार्ट ले सकते हैं। तो ये होगी आपका कि भाई अपने आपकी जो नंबर होगा, नंबर होगा 0 मतलब कि जो नंबर है सो
और नहीं, ये जो सेमी कोलन दिया इससे पहले हमने छोड़ दिया, इसका मतलब हुआ कि जो मैसेज टाइप हो रहा है वो शो होगा, जीरो मतलब जो नंबर है वो शो होगा, और डॉट टू मतलब जो डेसिमल प्लेसेस है दो वो दिखेंगे, और डेटा हमारा फ्लॉट है इसलिए हमने एफ कर दिया। फिर डॉट फॉर्मेट, अब डेटा उठाया कहाँ से, ए जो है किस पे अप्लाई होगा, तो फॉर्मेट के अंदर दी गई एरिया पे अप्लाई, तो यहां पे आपका निकल। अब इसमें हम बात करते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट की। जी हाँ, इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले इफ मतलब कि कंडीशंस के बारे में, कंडीशंस के बारे में बोले। तो इसको मैं कॉपी करता हूं और कट कर लिया, और मैं यहाँ पे नोट पैड ओपन करता हूँ, वहां डाल दूंगा। क्लास के बाद ये सारे कोड मैं आपको भेज दूंगा, और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। कंट्रोल स्टेटमेंट मतलब कंडीशन स्टेट, जैसे मैंने यहां पे लिखा n इक्वल टू 1 और कंडीशन दे रहा हूं कि इफ n इक्वल, यहां पे लॉजिकल ऑपरेशन में डबल इक्वल देना पड़ता है, 1 देन प्रिंट 1। तो इससे क्या होगा कि n पे अगर 1 होगा तभी 1 प्रिंट करेगा, यहां पे देखिए 1 है तभी 1 प्रिंट किया, अगर मैं n पे 2 कर दिया तो कुछ प्रिंट नहीं करेगा, जस्ट ब्लैंक, क्योंकि कंडीशन मैच नहीं कर रहा। मतलब कि कुछ भी करने से पहले अगर कंडीशंस है तो कंडीशन आपको मैच करनी पड़ेगी, और ये सिर्फ नंबर पे ही नहीं इस पे भी चलता है। जैसे कि मान लीजिए हमने एस इक्वल टू, हमने इन्वर्टर को वहां पे लिख दिया यस, और फिर यहां पे कंडीशन दे रहे हैं कि इफ एस डबल इक्वल टू और इन्वर्टर को वहां में एस, और यहाँ पे सेमी कॉलन दिए, और यहाँ पे लिखते हैं अपना रिजल्ट कि प्रिंट, प्रिंट में मैंने यहाँ पे दे दिया यस। अब इसको रन करेंगे तो देखिएगा यहाँ पे यस आए, लेकिन एक केस सेंसिटिव होता है, अगर मैं वाई को छोटा कर दिया तो देखिए कुछ प्रिंट नहीं हुआ, नहीं हुआ क्योंकि टेक्स्ट के अंदर में आप जो है आपका रिव्यू प्रोग्रामिंग में भी केस सेंसिटिव होता है और यहां भी केस सेंसिटिव होता है, बट एक्सेल में केस सेंसिटिव नहीं होता। एक्सेल के अंदर क्या नहीं होता, केस सेंसिटिव नहीं होता है। अब समझिए इफ कंडीशन के पैटर्न को समझिए कि पैटर्न क्या हो। जैसे सिंपल सा एग्जाम्पल हम यहां पे देना है कि अगर हम देंगे कंडीशन, कंडीशन मैच हुआ तो क्या शो होना है, कंडीशन मैच नहीं हुआ तो क्या शो होगा। जैसे मैंने यहां पे लिख दिया एक्स इक्वल टू 10, अब यहां पे हम सिंपल लिख रहे हैं कि इफ एक्स मॉड्यूल 2 इक्वल 0, ये हो गई कंडीशन, ये क्या हो गया हमारा कंडीशन हो गया, इफ लगाया और यहां पे हमने कंडीशन लगा दी। कंडीशन लगाने के बाद यहां आता है ट्रू पार्ट कि अगर कंडीशन फुलफिल हुआ, अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो क्या शो होना चाहिए। तो कंडीशन ट्रू हुआ तो शो होना चाहिए यहां पे मान लीजिए इवन नंबर, तो यहां पे हम प्रिंट का कमांड लगा रहे हैं कि प्रिंट, प्रिंट में हम देते हैं एक्स कॉमा एक्स कॉमा, और इन्वर्टर को वहां में लिखते हैं इज इवेन नंबर, और यहां पे फिर हमें देना है एल्स। अब देखिए पैटर्न देना जरूरी है, अब एल्स तो मैं ऐसा नहीं कि मैं यहां लिख दूं, जैसे वीवीए प्रोग्रामिंग में होता है कि हम कहीं भी किसी भी पैटर्न लिखना चाहते हैं, लेकिन नहीं, यहां पे आपको पूरी की पूरी टैब और पूरी की पूरी एंटर का ध्यान रखना हो। अब इस इफ का पार्ट है तो मुझे यहां पे एल्स यहीं पे लगाना होगा, और प्रिंट जो फॉल्स वैल्यू है प्रिंट यहीं पे देना होगा कि प्रिंट, और यहां पे ब्रैकेट में एक्स कॉमा इन्वर्टर कॉमा में एज ऑड नंबर और नंबर। अब मान लीजिए इस पे हम इनपुट लगा देते हैं, इनपुट, और इनपुट में देते हैं एंटर सीरियल नंबर। अब इसको रन करते हो, रन करते हैं, नंबर पूछ रहा है तो नंबर मान लीजिए मैंने 6 डाल के एंटर किया, अब यहां पे एरर आए। ये एरर के बारे में मैं लास्ट टाइम भी बता रखा हूं, क्योंकि हमने इनपुट बॉक्स लिया है तो इनपुट बॉक्स बाय डिफॉल्ट कैरी करता है टेक्स्ट,
इनपुट बॉक्स में आप कुछ भी टाइप करते हैं, कोई भी नंबर टाइप करते हैं, तो यहां पे आपको ये करेगा। टेक्स्ट देगा, तो यहां पे क्या होगा कि इसमें इसको हमें इंटीजर में या फ्लॉट में जो भी करना चाहते हैं, तो यहाँ पे इंट के अंदर हमने इसको डाला ताकि ये इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए। और मैं यहाँ पे स्लैश टी भी लगा देता हूँ ताकि थोड़ा सा गैप दे रहे। अब देखिए यहाँ पे हम रन करते हो, रन करते यहाँ पे दिख रहा होगा नंबर। अब यहाँ पे मैंने मान लीजिए 6 डाल के एंटर प्रेस किया, तो देखिए 6 इज इवन नंबर, क्या दिखा, 6 इज इवन नंबर, कोई एरर नहीं। तो इसका वर्किंग प्रोफाइल समझिए कि पहले आपको अपना जो भी वैल्यू, अब आप जो है अपनी जो भी कंडीशन देते हैं, कंडीशन के साथ कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक्स का मोड निकाला, क्या निकाला, मोड, मोड मतलब सेल्स का रिमाइंडर, मोड निकाला। और मोड निकालने के बाद यहाँ पे कंडीशन दिया, तो कंडीशन विथ कैलकुलेशन यहाँ की जा सकती है, ठीक है। अब कंडीशन फुलफिल हुआ तो क्या रिजल्ट आना चाहिए, और फॉल्स हुआ तो क्या। अब यहाँ पे हम जस्ट प्रिंट करवा रहे हैं क्योंकि हम बेसिक चीजों को भी एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन आगे चल के इस पे हम अपने काम कराएंगे कि ऐसा कंडीशन हो तो ये करे अदरवाइज ना करे। जैसे कि लॉगिन करते समय अगर लॉगिन आईडी करेक्ट हुआ, पासवर्ड करेक्ट हुआ तो लॉगिन करने दे, अदरवाइज मैसेज दे, इस तरह की जो चीजें होगी इसी इसके थ्रू होगी। अब यहां पे हम बात करेंगे जब मल्टीपल कंडीशन होगा तब क्या है। मल्टीपल कंडीशन जैसे फॉर एग्जांपल, मैं इसके एक बार इसलिए इनपुट लगा रखा है, उसको मैं कॉपी करता हूँ, कट करता हूँ और वापस नोट पैड पे ले जाऊं। अब यहां पे दो कंडीशन, जैसे कि मैंने यहां एक्स इक्वल टू इंट लगाया, इंट में हमने बोला इनपुट, सॉरी इनपुट करना हुआ, हाँ इनपुट, इनपुट के अंदर हमने डाला यहां पे एंटर सेल्स क्वांटिटी। अब कंडीशन ये है कि अगर सेल्स क्वांटिटी 50 to 80 के बीच में हुआ तो हमें 800 का इंसेंटिव देना है, अदरवाइज हमें क्या करना है, जीरो देना है, मान लीजिए जीरो देना। तो यहां पे हम इफ कंडीशन लगाएंगे कि इफ इफ में हम बोलेंगे कि एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50, और फिर वापस यहां देंगे एन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 80, और यहां पे सेमी कॉलन देके एंटर प्रेस करेंगे और यहां पे लिखेंगे प्रिंट। प्रिंट यहां पे एक काम करता हूं, वाई लेता हूं कि y इक्वल टू 800, और फिर यहां हम else देते हैं, else else में y इक्वल टू 0। तो अगर यहां पे डली गई वैल्यू 50 और 80 के बीच का हुआ, मैं 50 से बड़ा और 80 से छोटा हुआ, तो y पे 800 स्टोर होगा, अदरवाइज 0 स्टोर होगा। अब नीचे अब यहां देखिए इसको तोड़ना होगा एक ब्रेक करके, यहां देखिए ब्रेक हो गया, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। नहीं तो फिर इसके इसके अंदर ही पार्ट चले, इसके पार्ट चला जाए। जैसे जब भी इफ कंडीशन दे, जो इफ कंडीशन खत्म करने एंड करने के लिए एक एक स्पेस का, एक लाइन का गैप देना हो, यहां पे दे लिखते हैं कि प्रिंट टोटल, यहां इन्वर्टर बंद पे टोटल एज, और यहां पे कॉमा हम वाई कर दें और यहां पे रन करते हैं। रन करते ही मुझसे पूछ रहा है क्वांटिटी, और यहां पे मैंने मान लीजिए 79 कर दिया, तो ये देखिए 800 आ गए। अगर हम इसको रन करते हैं और लिखते हैं यहां पे 85, एंटर करें तो यहां पे 0 आ। तो एंड का यूज होता है दो कंडीशन को आपस में मेट करने के, कि दो कंडीशन या दो से ज्यादा भी दे सकते हो जी। अब दो से ज्यादा कहाँ देंगे,
चलिए इस पे भी हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। जैसे मेरे पास सब्जेक्ट्स है, कि सब्जेक्ट वन में हमने 50 नंबर लाए हैं, सब्जेक्ट टू के अंदर हमने 80 नंबर लाया है, सब्जेक्ट थ्री के अंदर 35 नंबर आया है एंड सब्जेक्ट फोर के अंदर 74 नंबर आया है। अब सारे सब्जेक्ट के अंदर अगर ग्रेटर देन, सारे सब्जेक्ट के अंदर अगर ग्रेटर देन 30 है, इसका मतलब कि पास है। तो यहां पे कंडीशन देंगे, इफ एस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40 एंड एस टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80 अगेन एंड एस थ्री इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30 होगा, हमने गलती से 40-80 कर दिया, क्या भावनाओं में भाग गया, बोल कुछ और रहा हूं, लिख कुछ और आ रहा हूं। और फिर एंड यहां पर हम देते हैं कि एस फोर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30। और फिर जैसे डीवी में दैन लिखते हैं ना, यहां पे दैन नहीं देना होगा, यहां पे इस तरह का कॉलम देके एंटर प्रेस करना होगा। और यहां रिजल्ट देना है कि आर इक्वल टू, इसके अंदर हमने कर दिया पास। और फिर यहां पे हमें देना है एल्स, एल्स सेमीकॉलन, और यहां पे देना है आर इक्वल टू फेल। और फिर यहां पे अपना जो आउटपुट देना चाहते हैं इसे प्रिंट, प्रिंट के अंदर हमने यहां पे दे दिया द रिजल्ट एज, एज होना चाहिए, आई विल एज कॉमा हमने दे दिया आर। एक साथ किस तरह से हम मल्टीपल कंडीशंस को लगा सकते हैं, यहां देखिए रिजल्ट इस पास आया। अब किसी को 25 कर देता हूं तो रिजल्ट आएगा फेल, क्यों, क्योंकि एंड अगर आप लगा रहे हैं तो जितने भी कंडीशन देते हैं सारे कंडीशंस के अंदर रिजल्ट फुलफिल होना चाहिए, अगर सारे कंडीशन में रिजल्ट फुलफिल नहीं है तो आपको फेल आएगा, अदरवाइज पास है किसी एक में भी। तो एंड का इस्तेमाल ऐसे करते हैं, ऐसे कई सारे एंड हम इकट्ठा लगा सकते हैं। अगर अब बात करते हैं एंड के जगह पे हम और लगाए थे कैसे हो, चलिए जैसे यहां पे हमने एस इक्वल टू, हमने लिखा कि एस डी, डी इक्वल टू इनपुट, और इनपुट में डाला कि एंडर डेज डे इन डी 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 फॉर्मेट, यहां पे स्लैश एंड टी कर दू। अब कंडीशन है कि इफ D इक्वल टू होना चाहिए सटर्ड, और फिर यहां पे हमने और लगाया कि D इक्वल टू होना चाहिए संडे। अगर D पे डली गई इनपुट बॉक्स की वैल्यू सटर्डे या संडे हो तो यहां पे R इक्वल टू होना चाहिए ऑफिस वीकेंड, वीक एंड। फिर एल्स में हमने यहां लगाया एल्स, और यहां दे रहे हैं आर इक्वल टू, हमने यहां पे दिया तो ऑफिस ओपन, ओके। और फिर यहां पे हम देते हैं प्रिंट, और प्रिंट में हम बिना कुछ नहीं करते हैं, हम आर को लोड करते हैं। अब इसको रन करते, रन करते ही मैंने यहां पे लिखा मान लीजिए एम ओ एन मंडे, यहां देखिए ऑफिस इज ओपन, क्योंकि दोनों कंडीशन में कोई कंडीशन नहीं है। अब देखिए यहां पे हम लिखते हैं संडे, एस यू एन संडे, अब एंटर मारे इसको, यहां देखिए वीकेंड। तो और का यूज क्या होता है, और का यूज होता है कि मल्टीपल कंडीशंस में से कोई एक पर्टिकुलर कंडीशन अगर वर्क कर जा रहा है तो आएगा पास, अदरवाइज फेल आएगा, पास अदरवाइज मतलब कि कंडीशन हुआ तो आएगा। इसी तरह जैसे एंड में मल्टीपल लगा सकते हैं ऐसे हम यहां और में भी लगा सकते हैं।
तो अभी जो मैंने आपको कंट्रोल स्टेटमेंट में चीजें कराई, सबसे पहले मैंने कराया इफ कंडीशन, कि इफ कंडीशन कैसे वर्क करता है, इफ एल्स कैसे वर्क करता है। देन हमने बताया कि एंड में हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, मल्टीपल एंड कैसे लगाएंगे, देन और हम कैसे हैं, इसके बारे में आपके साथ डिस्कस किया। अब इस पे कीजिए आप प्रैक्टिस, कल की क्लास जो इसी टाइम पे होगी, कल की क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि जब हमारे पास कंडीशन ज्यादा हो तो हम एल्स इफ का इस्तेमाल कैसे करेंगे। जी हाँ, एल्स इफ का इस्तेमाल कैसे करेंगे ये हम आपको कल की क्लास में समझाएंगे। प्रैक्टिस करते समय किसी तरह का डाउट होता है तो मुझे कॉल कर लीजिएगा। थैंक यू।